सिरसा जिला में अचानक मौसम में बदलाव हुआ है। पिछले काफी दिनों से कोहरे का सितम देखने को मिल रहा था, लेकिन आज अल सुबह बारिश के बाद मौसम में अचानक बदलाव आ गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अब आसमान पर कोहरा छटने लगा है, यानी कि बारिश से कहीं ना कहीं अब कोहरा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद विजिबिलिटी आज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले काफ़ी समय से कोहरा पड़ने की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, जिस वजह से आम लोगों को, खासकर वाहन चालकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज अल सुबह बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं कोहरा छटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बारिश के बाद अब सिरसा जिला के आसपास के एरियों में ठंड का प्रभाव भी पहले के मुकाबले काफ़ी देखने को मिल रहा है, और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले एक दो दिनों तक यूं ही बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है, जिस वजह से ठंड का प्रभाव पहले के मुकाबले सिरसा जिला में और देखने को मिल सकता है। लेकिन बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा यह मिला है कि कोहरा अब छट गया है, जिसके बाद सड़कों पर वाहनों की संख्या पहले के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि लोग अभी भी अपने शरीर को पूरी तरह से ढक कर ही बाज़ारों में और मार्केट में निकल रहे हैं। हालांकि ठंड से बचाव के लिए सिर्फ यही मात्र उपाय है कि अपने शरीर को पूरी तरह से गर्म कपड़ों से ढकें। इसके साथ ही कहीं ना कहीं लोग अब जो वाहन चालक हैं कहीं ना कहीं फोग लाइट का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके। तो साफ तौर पर अगले कुछ दिनों तक मौसम यूं ही बरकरार रहने वाला है। हालांकि यह बारिश गेहूं और सरसों की फसल के लिए वरदान के रूप में साबित होगी, क्योंकि बारिश से कहीं ना कहीं गेहूं और सरसों की फसल का जो पैदावार है वो ज़्यादा होने की उम्मीद दिखाई देती है, जिस वजह से किसानों के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि बारिश से अब क्षेत्र में ठंड का जो माहौल है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से छोटे बच्चे और बुजुर्गों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह बारिश किसानों के लिए वरदान के रूप में साबित होगी, लेकिन आम लोगों के लिए यह ठंड काफ़ी मुश्किल भरा रहने वाला है, क्योंकि ठंड से कहीं ना कहीं बीमारियों का जो फैलने का खतरा है वो लगातार ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि यह बारिश किसानों और आम लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि कोहरे से कहीं ना कहीं अब आम लोगों को छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।